अस्सलामु अलैकुम। ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इसका डेरिवेट करना है। कोसेक का हम जानते हैं कोसेक कॉट होता है, तो देखने क्या आता है, यानी माइनस कोसेक कॉट होता है। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखने क्या आता है या नहीं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्स की जगह ए आता है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए करेंगे, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा और यहाँ पर भी ए आ जाएगा। अब अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स, एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स माइनस, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए हो गया, एफ एक्स हमारे पास है कोसेक एक्स माइनस कोसेक ए अपॉन एक्स माइनस ए। कोसेक हमारे पास क्या होता है, वन अपॉन साइन, तो कोसेक की जगह आ जाएगा वन अपॉन साइन। कोसेक होता है वन अपॉन साइन, तो यहाँ कोसेक की जगह वन अपॉन साइन आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन अपॉन साइन एक्स वन अपॉन साइन ए, और ये यहाँ के वन अपॉन एक्स माइनस से मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड पोजीशन पे आ जाएगा। अब जब भी बीच में प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपनी जगह लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, बल्कि अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन यू माइनस साइन वी का, जो बराबर होता है टू कॉस यू प्लस वी अपॉन टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू। तो जगह लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो ये टू फार्मूले का कॉस फार्मूले का यू हमारे पास ए है, तो ए प्लस एक्स अपॉन टू साइन ए माइनस एक्स अपॉन टू, यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है साइन एक्स साइन ए, और यहाँ डिवाइड में लिखा हुआ है एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब ये जो टू है ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये ए एक्स माइनस ए, इसको ए माइनस एक्स बनाना है, तो ये कॉस ए प्लस एक्स अपॉन टू अपनी जगह, यहाँ पे साइन हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन टू, इसको भी जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, और ये टू ये वाला डिवाइड में आ गया, ये वाला टू डिवाइड में आ गया। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, और ये साइन एक्स साइन अपनी जगह था, यहाँ लिमिट लग जाएगी। अप्लाई फार्मूला और लिमिट कर देते हैं, अप्लाई फार्मूला एंड लिमिट एस एक्स टेंस टू ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ए अपॉन टू, ये हो जाएगा साइन ए साइन ए, और इसकी जगह तो वन आ जाएगा। फार्मूला लिख के दिखाना चाहें तो लिख के दिखा दें, साइन पी थीटा अपॉन पी थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये वन हो गया। माइनस है तो माइनस बाहर लिख दिया, ये कॉस है हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस टू ए अपॉन टू, और ये हो जाएगा साइन ए अपनी जगह रहेगा। टू से टू कट गया, कॉस ए एक साइन ए नीचे आ गया, और एक साइन ए पहले लिखा हुआ है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, वन अपॉन साइन कोसेक होता है तो माइनस कोसेक हो जाएगा, और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा कोसेक और कॉट। आखिर में बस एक काम रह गया, एक ही जगह एक्स रखना है, तो माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, यही आंसर होता है कोसेक का, ये हमें आंसर मिल गया डेरिवेटिव।